हेलो, आपके सामने एक रेड बटन है। दबा दिया। मजा आया। तो गाइस, आप सभी लोग सुबह सुबह उठते होगे और उठते से यूट्यूब के ऊपर देखते होगे कि भाई बैन अनबैन की काफी सारी वीडियोस फैली हुई है। एक बंदा बता रहा है बैन हो गया, एक बंदा बता रहा है अनबैन हो गया, एक बंदा बता रहा है कि भाई आज ही अनबैन होने वाला है। गाइस देखो, मैंने यहां पर 10 दिनों के अंदर सिर्फ 2 वीडियो बनाई थी। एक वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि भाई अपना रॉयल पास आप सभी लोग परचेज कर पा रहे हो, जाके फटाफट से परचेज कर लो। एंड सेकंड वीडियो मैंने बनाई थी यहां पर कि भाई एक ऑफिशियल पोस्ट निकल के आई है, उसमें मैंने ये कवर करा था, ठीक है। और गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर भी मैं आपको बहुत ही धमाकेदार चीज बताने वाला हूं बीजीएमआई अनबैन से रिलेटेड। सही में बता रहा हूं, आपको सुन के मजा आ जाएगा। और गाइस, मैं आपको बता दूं भाई वो कौन बंदे हैं। भाई यहां पर काफी सारे बंदे को मैंने बता रखा है कि भाई बीजीएमआई बीच में लटका हुआ है, बैन अनबैन चल रहा है। लेकिन भाई काफी सारे बंदे इंस्टाग्राम हो गया, यहां पर कमेंट सेक्शन में हो गया, भाई एक ही चीज पूछा जा रहा है, यूसी कैसे बाय करें। भाई मैंने तुमको बताया है बीजीएमआई अभी लटका हुआ है, पैसा मत डालो। लेकिन भाई बंदे बाज नहीं आ रहे, बंदों को चाहिए यूसी, उन्हें कुछ ना कुछ परचेज ही करना है। भाई वो पीछा नहीं छोड़ रहे, इंस्टाग्राम हो गया, कमेंट सेक्शन में हो गया, कहीं भी भाई यूसी मांग रहे हैं, बस यूसी मिल जाए हमें। तरीका बता दो। तो सिंपल सा बता दूं, यूसी परचेज करने का फिलहाल कोई भी तरीका नहीं है। थर्ड पार्टी वेबसाइट कोई बताए उस पे मत जाना, आईडी बैन हो जाएगी, ठीक है। और भाई उन बंदों को सलूट है कि जो अभी भी यूसी परचेज करना चाह रहे हैं, उन्हें पता है बीजीएमआई बैन चल रहा है, लंका लग सकती है, लेकिन अभी भी उन्हें यूसी परचेज करनी है, क्योंकि उन्हें पता है भाई अपना जो गेम है, बहुत प्यार करते हैं अपने गेम से, उन्हें पता है हम यूसी परचेज कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई अपना गेम आज नहीं कल अनबैन हो जाएगा, हमें दिक्कत नहीं है, हमें पता है अनबैन हो जाएगा करके। तो कितने बंदे इस चीज से एग्री करते हैं कि हाँ अपना गेम अनबैन हो जाएगा, कमेंट में बता देना। और अनबैन होगा बैन होगा ये तो मैं चलो बताता हूं आपको आगे चल के। तो भाई बीजीएमआई अनबैन होने का सबसे बड़ा हिंट तो यहां पर है, मैं आपको बता दूं। यहां पर आप सभी लोग देखो, अपने को एक दिया देखने को मिला है, और आपको बता दूं अपनी दिवाली बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है, कुछ दिनों के अंदर अपने को दिवाली देखने को मिलेगी। अब ये दिया ग्लोबली तो नहीं आने वाला है, पबजी वर्ल्ड के अंदर तो नहीं आने वाला है, क्योंकि वो ग्लोबल वर्जन है, उसमें तो नहीं आने वाला है। ये स्पेशली बनाया गया है अपने बीजीएमआई के लिए, ठीक है। और यहां पर और एक चीज देखो, हैप्पी दिवाली करके लिखा हुआ है। भाई ये क्यों ही काम करेंगे अगर बीजीएमआई बैन होने वाला था तो, ठीक है। यहां पर बीजीएमआई बैन चल रहा है तो भाई क्राफ्टन क्यों ही काम कर रहा है इन चीजों के ऊपर, दिवाली के ऊपर क्यों काम कर रहा है। चलो सेकंड प्रूफ यहां पर दिखाता हूं। यहां पर आप लोग देखो, PUBG के अंदर लॉबी आने वाली थी ये वाली, इसकी बात नहीं है। यहां पर BGMI की देखो, जो अपने को बीटा वर्जन से मिल रही है, यहां पर भाई कॉर्नर में आप लोग इसका नाम तो देखो, लॉबी का क्या नाम है, यहां पर दिवाली बैकग्राउंड। भाई दिवाली की बैकग्राउंड यहां पर बन चुकी है, मतलब दिवाली के अंदर आपको एक बैकग्राउंड भी देखने को मिलेगा, जो लॉबी होने वाली है वो मिलने वाली है। अब भाई जब गेम बैन होने वाला है, क्राफ्टन को BGMI को सबको पता ही है, तो भाई इस चीज के ऊपर क्यों ही काम कर रहे हैं। ये सब चीजें अपने को BGMI की तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही है। हम समझ सकते हैं कि अपना गेम अपने को बहुत ही जल्द रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और काफी सारे बंदों का ये सवाल था कि भाई आपने पिछली वीडियो बनाई थी 2.2 के अपडेट के ऊपर, जहां पर आपने फीचर्स बताए थे कि भाई ये चीजें आने वाली है, 2.2 का अपडेट कैसा आने वाला है करके। उनमें से भाई काफी सारे बंदों ने पूछा कि भाई हम 2.2 का अपडेट कैसे करेंगे, क्योंकि भाई प्ले स्टोर पर तो BGMI अवेलेबल ही नहीं है, तो हम अपडेट कैसे करेंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आपको अपडेट करना होगा, जैसे ही अपडेट आता है, यहां पर अपडेट जो आने वाला है वो 14 तारीख या 15 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा अगले महीने की। तो जैसे ही अपडेट आता है ना, BGMI ने यहां पर क्लियर कराया कि BGMI की वेबसाइट के ऊपर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज, यहां पर इंस्टाग्राम की जो बायो होती है ना, वहां पर इंस्टाग्राम की बायो के ऊपर BGMI की जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, वहां पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो लिंक है वो वहां पर डाल दी जाएगी, ठीक है। इसकी टेंशन मत लो, इसके ऊपर आपको डायरेक्टली पूरी की पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। मैं अपडेट करके आपको बता दूंगा, जैसे ही अपडेट आता है ना, मैं आपको पूरी वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे कैसे अपडेट करना है, ठीक है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, अब जो आपको न्यूज देखने को मिलेगी वो BGMI की इंस्टाग्राम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम जो है उस पर देखने को मिलेगी। BGMI की ऑफिशियल वेबसाइट हो गई, ट्विटर हो गया, वहां पर ही देखने को मिलेगी। अगर आप उस पर एक्टिव नहीं रहना चाहते हो तो भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लो, क्योंकि जैसे ही वहां कोई न्यूज निकल के आएगी मैं आपको वीडियो बना के फटाफट से बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर से कर देना। और एक चीज सुनो, यहां पर आपको पता होगा क्रिएट यहां पर डिले हो गई है, 90 दिन 80 दिन के लिए डिले हो गई, मतलब क्रिएट चेंज नहीं होंगी। तो गाइस मैं आपको यहां पर बता दूं, हो सकता है ये अपना आखिरी अपडेट हो, मतलब 2.2 का अपडेट के बाद जो अपना 2.3 का अपडेट आएगा ना, वो पबजी वर्ल्ड के अंदर अलग होगा, यहां पर मोड अलग होंगे एंड BGMI के अंदर मोड अलग ही चलेंगे। यहां पर मैं आपको क्लियरली बता दूं, BGMI और पबजी वर्ल्ड अब सेम नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ रही थी ना कि भाई पबजी वर्ल्ड भी सेम है, BGMI भी सेम है। इंडियन गवर्नमेंट और काफी सारे भाई यहां पर लोग कह रहे थे कि भाई तुमने चेंज क्या करा है, इसमें चेंज ही कुछ नहीं है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों के बाद आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जो बंदे पबजी वर्ल्ड खेलते हैं उनके लिए अलग यहां पर जोन होगा, मतलब उनका अलग ही जोन होगा, एंड BGMI के लिए यहां पर अलग ही अपडेट आने वाले हैं, ठीक है।
जो PUBG Mobile के अंदर मोड आ रहा है वो शायद से BGMI के अंदर कभी भी नहीं आया, एंड PUBG Mobile के अंदर जो आ रहा है BGMI के अंदर नहीं आएगा, BGMI का PUBG Mobile के अंदर नहीं आएगा। मतलब अब अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है ये गेम, ठीक है। तो हो सकता है आखिरी अपडेट हो 2.2 का अपडेट जो सेम आ रहा है वो सेम ही हो, और उसके बाद मैं आपको बता दूं अभी जो मोड चल रहा है ना भाई, ये थोड़ा हो सकता है लंबा चले, मुझे अभी कन्फर्मली पता नहीं है कि अपडेट हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम 2.2 का अपडेट कर पाते हैं, मतलब जेन्युइनली कर पाते हैं, तो भाई मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। आईडी बैन ना हो ऐसा ही तरीका बताऊंगा, कोई अंडरसेंड नहीं बताऊंगा जिससे आपका आईडी बैन हो जाए, क्लियरली बताऊंगा जैसा भी जो होगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे चल के अपने को क्या देखने को मिलता है। वैसे मैं आपको बता दूं क्राफ्टन की पूरी टीम लग चुकी है, ये आपको पता ही लग चुका होगा काफी सारे पोस्टों के थ्रू, यहाँ पर क्राफ्टन की टीम पूरी की पूरी लगी हुई है बस अनबैन करने में, क्योंकि भाई काफी ज्यादा फायदा होता है इंडिया से, उनको पता है, क्योंकि यहाँ पर देखो भाई गेम बैन चल रहा है लेकिन भाई बंदों को यूसी अभी भी ऐड करनी है, मतलब गेम बैन है लेकिन फिर भी यूसी ऐड करनी है, तो सोचो आप सी लोग जब गेम अनबैन होगा ना तो कितनी ज्यादा यूसी डलेगी उसके अंदर। भाई बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पर इंडिया के अंदर गेम का, बहुत बड़ा मार्केट है और ये ग्रो कर सकता है, और ये भाई बहुत तगड़ा ग्रो कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भाई बंदे पागल है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में अपने दोस्तों को देख लो गेम को लेकर कितना ज्यादा पागल है वो, भाई मतलब बिल्कुल भूल जाते हैं सब कुछ, यहाँ पर इतना क्रेज है अपने इंडिया के अंदर गेम को लेकर, BGMI PUBG Mobile को लेकर। भाई मैं आपको बता दूं e-sport हो गया बहुत तगड़ा ग्रो कर सकता है इंडिया के अंदर, बहुत सारे आपको गेमर्स तगड़े तगड़े देखने को मिल सकते हैं, यूट्यूबर्स हो गया जो भी क्रिएट कंटेंट जो भी क्रिएट करते हैं वो ग्रो कर जाएंगे, मतलब गेमिंग कम्युनिटी यहां पर ऐसी ग्रो करेगी ना भाई अगर ये BGMI अनबैन हो जाता है, और इंडिया के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनता है, तो मैं बता रहा हूं सिर्फ इंडिया के लिए बनता है, तो भाई बहुत तगड़ा चलेगा। अगर ये ग्लोबल हो जाता है ना, देखो BGMI ने बीच में ये बात छेड़ी थी कि हम ग्लोबली कर रहे हैं, मतलब यहां पर सारे बंदे कोई सी भी कंट्री के हैं, US है, पाकिस्तान के, यहां पर कनाडा के हैं, जो भी बंदे हैं सब एक साथ खेल पाए, ऐसा करके उन्होंने ट्राई करा था, और उस चक्कर में भी थोड़ा बहुत यहां पर इसका बैन का इशू इसीलिए आया है क्योंकि ये ग्लोबली करना चाहते थे, पूरा का पूरा ग्लोबल कर रहे हैं। तो भाई अगर ग्लोबली ऐसा नहीं होता है, सिर्फ इंडिया के लिए गेम बनाया जाता है ना, तो भाई बहुत तगड़ा ग्रो करेगा, मेरे बात मानो सही में बहुत तगड़ा ग्रो कर जाएगा, क्योंकि भाई इंडिया में गेम का बहुत ज्यादा क्रेज लेवल का बढ़ चुका है, मतलब बिल्कुल फाड़ चुका है, बिल्कुल बहुत ही मतलब खत्म हो चुका है, यहां पर बंदे पागल है गेम को लेकर। अगर गेम में टाइम टू टाइम अपडेट आता रहे, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इवेंट आता रहे, ऐसा मिलता रहे ना, तो भाई BGMI को इतनी तगड़ी ऑडियंस मिलेगी ना भाई, क्या ही बोलूं। आपको पता होगा PUBG Mobile जब आया था कितना ज्यादा क्रेज था बंदों के अंदर, अब बैन हुआ थोड़ा सा क्रेज कम हो गया, अब BGMI बैन हो गया थोड़े बंदे क्रेज कम हो चुका है, कुछ बंदों ने छोड़ दिया, कुछ बंदे खेल रहे हैं, और जहां तक जो बंदे नहीं खेलते थे उनको पता लगा BGMI बैन होने वाला है करके वो और ज्यादा खेलने लग गए, तो भाई यहां पर तो सबका सीन अलग ही चल रहा है। और मैं आपको आखिर में एक चीज कहना चाहूंगा, लिख के ले लो BGMI अनबैन होना ही होना है। यहां पर मैं आपको बता दूं, देखो BGMI जो चीजें कर रहा है ना अपना गेम को बदल ही डालेगा बिल्कुल, PUBG वाला अलग होगा BGMI अलग होगा, तो भाई दिक्कत ही नहीं है ना, यहां पर BGMI आना ही आना है, लिख के ले लो ये बात, BGMI आना है तो आना ही है। खैर देखते हैं, ऐसा कुछ बैड न्यूज़ तो अपने को ना ही देखने को मिले, गुड न्यूज़ निकल के आती है मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, बैड न्यूज़ निकल के आती है मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन देखते हैं आगे चल के क्या होगा, होप फॉर बेस्ट, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दो, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।